हेलो एवरीवन, आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम सब जाएंगे अफ्रीका के सवाना, क्योंकि ये जगह जानी जाती है अपने बहुत बड़े और समृद्ध वन जीवन यानी वाइल्ड लाइफ के लिए, और मिलेंगे वहां के 10 सबसे खतरनाक और जानलेवा जीव या जानवरों से, जो कि हर साल वहां के सैकड़ों दूसरे जानवरों सहित इंसानों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, द ग्रेट व्हाइट शार्क। इस लिस्ट के 10वें नंबर पर है दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री पानी में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछली, जिसका नाम है द ग्रेट व्हाइट शार्क। यू देखा जाए तो शार्कों की कई स्पीसीज यानी प्रजाति होती है, लेकिन उन सभी में जो सबसे आक्रामक यानी एग्रेसिव होती है उसका नाम है द ग्रेट व्हाइट शार्क। ये शार्क लंबाई में बढ़कर बहुत बड़ी हो सकती है, और अभी तक के सबसे बड़े ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 20 फीट की रिकॉर्ड की गई थी, यानी एक आम इंसान की लंबाई से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी। और हम सभी ने शार्क्स को कई मूवीज और टीवीज में देखा होगा, जहां शार्क्स को एक खूंखार समुद्री जानवर के तौर पे दिखाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में शार्क्स इतनी भयानक और जानलेवा होती हैं? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर डेटा को देखें तो हर साल पूरी दुनिया में शार्क्स की वजह से 10 से भी कम लोगों की जान जाती है, और अधिकतर शार्क्स अटैक जो होते हैं वो गलती से या फिर कंफ्यूजन में ही होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शार्क्स को हल्के में लेकर उनके प्रति सावधानी बिल्कुल खत्म कर दी जाए, स्पेशली जब बात हो द ग्रेट व्हाइट शार्क की, जो अगर चाहे तो किसी भी जीव को, फिर चाहे वो पानी में रहने वाला बड़ा वेल हो या फिर जमीन में रहने वाला कोई इंसान, को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क के बड़े ताकतवर शरीर और इनके लंबे आरी जैसे शिकारी दांतों की वजह से भी एक्सपर्ट्स ने इन्हें अफ्रीका के बहुत खतरनाक जानवरों की लिस्ट में भी शामिल किया है। नंबर 9, राइनोसरस। राइनोसरस, जो कि अक्सर जाने जाते हैं अपने बहुत बड़े भारी भरकम शरीर के लिए, किसी भी और जानवर से ज्यादा सख्त और मोटी चमड़ी के लिए, और आखिरकार अपने सबसे खतरनाक हथियार के लिए भी, जो कि होता है इनका ताकतवर लंबा और नुकीला सींग, जिसकी मदद से अगर ये चाहें तो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से भेद सकते हैं। और अपने इसी भयानक शरीर के बलबूते पर अफ्रीका में, जहां राइनोसरस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहां ये किसी भी बड़े शिकारी का मुकाबला बहुत आसानी से कर लेते हैं। मगर ये जंगली गेंडे सिर्फ जंगली वातावरण में ही नहीं मिलते, क्योंकि ये कभी कभी इंसानों की बस्ती या फिर ये उनके बनाए सड़क पर घूमने आ जाते हैं। और ये बात इतनी खतरनाक इसीलिए है क्योंकि जब इंसान और राइनो आपस में मिलते हैं तो इसका अंजाम इंसानों के लिए अच्छा साबित नहीं होता, क्योंकि एक बड़े एडल्ट राइनो का वजन 3000 केजी तक का हो सकता है, और ये लगभग 64 यानी 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी चार्ज कर टक्कर मार सकते हैं। राइनोसरस की देखने की शक्ति कमजोर होती है, और ये अक्सर सूंघ कर ही अपने वातावरण की समझ रखते हैं, और इसीलिए जब कोई दूसरा जानवर या फिर कोई इंसान इनके करीब आ जाता है तो उनका गंध इन्हें ट्रिगर कर देता है और ये बस अटैक करना चालू कर देते हैं। और इसी वजह से सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत लोगों की जान इस जानवर के हाथों चले जाती है। नंबर 8, केप बफेलो। केप बफेलो, जिसे अफ्रीकन बफेलो भी बोला जाता है, ये भैंसे साइज में बहुत बड़े और फिर नेचर से बहुत भयानक होते हैं। इन्हें कुछ लोग तो अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर भी मानते हैं, क्योंकि ये जंगली भैंसे हर साल जिम्मेदार होते हैं लगभग 200 या फिर उससे भी अधिक लोगों की जान लेने के लिए, और इसी वजह से भी इन्हें विडो मेकर और फिर द ब्लैक डेथ का भी नाम दिया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो कि इस जानवर को इतना खतरनाक और जानलेवा बना देता है? तो इसका जवाब होगा कि केप बफेलो हमेशा झुंड में रहते हैं, और अगर इन्हें खतरा महसूस हुआ तो ये सब मिलकर एक साथ अटैक कर देते हैं। इसके अलावा इस जानवर के सिर के ऊपर होते हैं दो बहुत बड़े और नुकीले सींग, जिसकी मदद से ये अपना बचाव तो करते हैं ही, इसके साथ ही ये अपनी दुश्मनों का खेल भी खत्म कर देते हैं। अफ्रीकन बफेलो शाकाहारी होते हैं, और इनका शरीर लंबाई में 7 से 8 फीट तक का हो सकता है,
ये बहुत भारी भरकम जानवर भी होते हैं, क्योंकि इनका वजन 1000 केजी तक भी पहुंच सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये भैंसे हमेशा झुंड में रहते हैं, तो इसीलिए अगर ये आपको किसी तरह से भी खतरा मान ले तो मौत बहुत भयानक और दर्दनाक तरीके से हो सकती है, क्योंकि ये अक्सर मिलकर अपने दुश्मनों को, फिर चाहे वो कोई खुखार शेर हो या फिर कोई इंसानों की टोली, को मिलकर कुचल देते हैं और अपने नोकीले सिंग से वार कर उन्हें हवा में दूर तक उछाल भी सकते हैं, जिससे जिंदा बच पाने के चांसेस ना के बराबर हो जाती है। तो है ना कि बफेलो, या कहें तो द ब्लैक डेथ, अफ्रीका का एक सबसे खतरनाक जानवर। नंबर 7, लायन। अफ्रीका का एक सबसे खतरनाक जानवर और फूड चेन में दूसरे बड़े जानवरों से सबसे ऊपर होता है शेर, यानी लायन। और हम सभी ने अपने बचपन से ही सुना है कि शेर कितना खतरनाक और खूंखार शिकारी होते हैं, और असलियत में भी लायन हमारी कल्पनाओं की तरह ही जंगल का राजा होता है, क्योंकि शेर बहुत माहिर शिकारी होते हैं, जो कि अगर ठान ले तो ये बड़े से बड़े जानवर को अपने ताकतवर शरीर और पंजों की मदद से मार सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अफ्रीकन लायन के बारे में। ये शेर, जो कि अफ्रीका के सवाना में अक्सर झुंड में रहते हैं, ये वहाँ के एपेक्स प्रेडेटर होते हैं और ये वजन में बढ़कर 200 किलो तक भी पहुँच जाते हैं। इनका भारी भरकम वजन खुद में ही काफी होता है एक बड़े से बड़े जानवर पर हावी होकर उन्हें जमीन पर गिराने के लिए, लेकिन इसके साथ ही ये लगभग 300 किलो पर स्क्वायर इंच की ताकत से भी अपने जबड़ों से अपने शिकार को दबोच लेते हैं, जिससे उनका बच पाना मुश्किल हो जाता है। और हर साल दूसरे जानवरों की तरह ही अफ्रीका के सफारी ट्रिप पर जाने वाले कई टूरिस्ट और गाइड भी अपनी बुरी किस्मत और बुरे हालातों के कारण अक्सर यहाँ के शेरों के शिकार बन जाते हैं। नंबर 6, ब्लैक माम्बा। ये सांप यानी ब्लैक माम्बा सिर्फ अफ्रीका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भी एक सबसे जानलेवा सांप माना जाता है। मगर क्यों? तो इसका जवाब होगा इस खतरनाक सांप का जहर, जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक यानी बहुत ही जहरीला होता है। और इस सांप के एक बार काटने पर ब्लैक माम्बा जितना जहर छोड़ता है उससे 10 एडल्ट लोगों की जान तक बड़ी आसानी से जा सकती है। ब्लैक माम्बा का रंग इसके नाम के बावजूद काला नहीं होता और ये सांप अक्सर ग्रे से डार्क ब्राउन कलर के रेंज में आते हैं, लेकिन इस सांप के मुंह के अंदर का रंग काला होता है और सिर्फ इसी वजह से इस सांप को ब्लैक माम्बा का नाम दिया गया है। ब्लैक माम्बा जहरीले सांपों में अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप भी होता है, जो कि बढ़कर 2 से 2.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। लेकिन अपने बड़े साइज के बावजूद ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज सांप भी होते हैं, जो कि 20 या फिर उससे भी अधिक किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकते हैं। और ब्लैक माम्बा की नजर भी बहुत तेज तर्रार होती है। इसके अलावा ये सांप घात लगाकर शिकार करते हैं, और क्योंकि इस सांप का जहर इतना तेज और खतरनाक होता है तो बड़े से बड़े जानवर भी इस सांप के आगे घुटने टेक देते हैं। और हर साल सिर्फ जानवरों की ही नहीं बल्कि सैकड़ों में इंसानों की भी इस सांप के कारण जान चली जाती है। तो आखिर इस सांप के जहर से बचने का क्या तरीका है? इसका बस एक ही इलाज है कि काटने के बाद उसके मरीज को जल्द से जल्द एंटीवेनम दे दिया जाए, क्योंकि अगर इसका इलाज तुरंत ना किया जाए तो किसी भी जीव के मरने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो है ना ब्लैक माम्बा सच में अफ्रीका का एक बहुत खतरनाक शिकारी। नंबर 5, पफ एडर। ब्लैक माम्बा के बाद आते हैं पफ एडर पर, जो कि अफ्रीका का एक दूसरा बहुत ही खतरनाक और जानलेवा सांप होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर पफ एडर कितने खतरनाक होते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि इस प्रजाति के सांप जाने गए हैं लेने के लिए मात्र एक साल में लगभग 30,000 दूसरे जानवरों सहित इंसानों की जान। पफ एडर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हर इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन घास से भरे इलाके और छावदार जगह इनका पसंदीदा होता है। और इस सांप का रंग और रूप कुछ ऐसा है कि ये अपने वातावरण में पूरी तरह हिलमिल जाते हैं, जिससे आसपास भटक रहे जानवर या इंसान इन्हें नहीं देख पाते और गलती से या तो इस पर पैर रख देते हैं या इनके करीब आ जाते हैं और इनके जहर का शिकार बन जाते हैं।
ये सांप यानी पफ एडर जब एक बार काटता है तो ये अपने लंबे और नुकीले दांतों से अपना हाईली टॉक्सिक यानी बहुत ही जहरीला जहर अपने शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। और अगर ये एक बार काट ले तो कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि नौजिया यानी जी मचलाना, ब्रूजिंग और नेक्रोसिस यानी अफेक्टेड एरिया में शेल्स और टिश्यूज मरने लगते हैं। और अक्सर इनके विक्टिम की मौत सही समय पे सही मेडिकल सुविधा ना पाने से हो जाती है। नंबर 4, नाइल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, जिसका बस नाम ही सभी के दिलों में खतरे की घंटी बजा देता है। और अगर आप क्रोकोडाइल से डरते हैं तो अफ्रीका में रहने वाला नाइल क्रोकोडाइल आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि नाइल क्रोकोडाइल मगरमच्छों का एक बहुत ही घातक और खतरनाक स्पीसीज यानी प्रजाति होता है, जो कि अपने शिकार को अपने बहुत ही मजबूत जबड़ों से पूरी तरह ध्वस्त यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका के नाइल नदी के अलावा मेडागास्कर की नदियों में या कई खुले तालाबों में या फिर दलदलीय इलाकों में पाए जाते हैं, जहां ये पानी में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो कि एक नाइल क्रोकोडाइल्स को दूसरे मगरमच्छों से ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों से भी ज्यादा इतना खतरनाक बना देती है? इसका एक ही जवाब होगा, और वो है इसके बहुत मजबूत जबड़े और इनकी अजब सी काटने की शक्ति, जो कि लगभग 2100 यानी 2100 किलो पर स्क्वायर इंच की होती है, यानी एक शेर का 7 गुना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इनका शिकार एक बार इनके जबड़ों से पकड़ा जाए तो उसके छूटने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाती है। और नाइल क्रोकोडाइल की औसत में लंबाई 16 फीट तक होती है और इनका वजन 750 केजी तक हो सकता है। और ये मगरमच्छ इतने खतरनाक इसीलिए भी हैं क्योंकि हर साल अफ्रीका में लगभग 200 से भी अधिक लोगों की जान इस प्रजाति के मगरमच्छ के द्वारा चली जाती है। नंबर 3, अफ्रीकन एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी, जो कि धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर और मैमल माने जाते हैं। लेकिन जब बात हो अफ्रीकन एलिफेंट की तो ये भारी भरकम जानवर बढ़कर 7000 किलो तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये हाथी अपने मूड और बिहेवियर से बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी ये कब क्या कर बैठे कोई भी नहीं बता सकता। स्पेशली जब बात हो अफ्रीका में रहने वाले बड़े बुल हाथियों की, नए मेल और लास्टली एलिफेंट जो कि बच्चों के साथ हो। इन हाथियों का जब कोई रास्ता काटता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और अक्सर अफ्रीका में हाथियों के हमले इंसानों पर और इंसानों की बस्तियों पर अक्सर देखे जाते हैं, जिससे जान और माल का बहुत ही नुकसान हो जाता है। हाथी जो कि बाहर से बहुत शांत और रिलैक्स जानवर नजर आते हैं, इसके बावजूद ये हर साल 500 या फिर उससे भी अधिक इंसानों को मार डालते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये महाकाय जानवर बहुत शक्तिशाली और आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन इन हाथियों पर भी खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि अफ्रीकन हाथी इंडेंजर्ड जानवर हैं जो कि अपने कीमती आइवरी दांतों की वजह से इंसानों के द्वारा मार डाले जाते हैं, और इसीलिए इनका नंबर दिन प्रतिदिन कम ही होती जा रही है। और ये भी एक रीजन, एक वजह है कि ये हाथी इतने आक्रामक और खतरनाक बन रहे हैं। नंबर 2, हिप्पो। हिप्पो यानी हिप्पोपोटामस, जिन्हें हम हिंदी में दरियाई घोड़ा भी बुलाते हैं, और ये अफ्रीका का एक बहुत ही कॉमन और माना जाने वाला जानवर है। और एक नज़र में ये बहुत शांत नज़र आ सकते हैं, लेकिन इनसे धोखा खाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और आक्रामक जानवर भी हो सकते हैं। और अफ्रीकी हिप्पोपोटामस बहुत टेरिटोरियल जानवर होते हैं, यानी इनका इलाका इनका होता है, फिर चाहे कोई भी हो, एक क्रोकोडाइल, शेर या फिर कोई इंसान, ये अपने इलाके की सुरक्षा बहुत जमकर और आक्रामक तरीके से करते हैं। अफ्रीकन हिप्पो जमीन के अलावा पानी में भी बड़े आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये पानी में लगभग 5 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं। इसके अलावा ये हिप्पो वजन में बढ़कर 1500 से 4000 किलो तक के भी हो सकते हैं, और अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद ये बहुत तेज भी दौड़ते हैं, जो कि लगभग 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि हिप्पो से बचकर भाग पाना आसान है तो आप गलत साबित होंगे।
लेकिन जो चीज एक अफ्रीकन हिप्पो को इतना खतरनाक और जानलेवा बनाती है वो है इनका आक्रामक मूड और इनके दो खतरनाक हथियार, जो कि होते हैं इनके दो लगभग आधे मीटर लंबे और तेज दांत, जिनके काटने की शक्ति 900 किलो पर स्क्वायर इंच की होती है। और यूं देखा जाए तो हिप्पोपोटामस शाकाहारी जानवर होते हैं, लेकिन हर साल अफ्रीका में लगभग 3,000 या फिर उससे भी अधिक लोग अनजाने में इनकी चपेट में आकर अपनी जान खो बैठते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अफ्रीका के सबसे खतरनाक और जानलेवा जीव के पास, जो कि इस लिस्ट के बाकी जानवरों की तरह दिखने में यानी शारीरिक रूप से भारी भरकम और विशाल नहीं होता, लेकिन जब खतरे की बात आती है तो ये उन सभी जानवरों को पीछे धूल में छोड़ देता है। नंबर 1, मस्कीटो। जी हाँ, इस लिस्ट के सबसे ऊपर है मस्कीटो यानी मच्छर, जिन्हें हमने इस चैनल की दूसरी वीडियोस में काफी डिटेल में देखा है और समझा भी है। और इस लिस्ट के बाकी जानवरों के मुकाबले मच्छर उतना आकर्षक नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं कि ये उन सभी से ज्यादा खतरनाक होता है। और अक्सर लोग मच्छरों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सुनिए। अफ्रीका में मच्छरों की कई प्रजाति करोड़ों में मौजूद है, और इनमें से बहुत से मच्छर कई जानलेवा बीमारी लिए घूमते हैं, जैसे कि येलो फीवर, जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, डेंगू फीवर और हाँ मलेरिया। और हर साल ये बीमारियां अफ्रीका में लगभग 10 लाख के करीब लोगों की जान भी ले लेते हैं। और मच्छरों की कुछ खतरनाक स्पीसीज यानी प्रजातियां जैसे कि क्योलेक्स, एनाफेलेस और एडेस सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी जाने जाते हैं अपनी दहशत और बीमारियों से बहुत सी लोगों की जान लेने के लिए। और ये खतरनाक बीमारियां भी एक वजह है कि बहुत देशों की सरकार और इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनसे बचाव के कई कदम उठा रहे हैं। तो है ना, ये छोटा सा जीव सच में बहुत खतरनाक। तो वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं खत्म करने का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कीजिए लाइक, कमेंट और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब, ताकि आप आगे भी इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखकर एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।